कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन जब जिंदगी बचाने वाला ही लापरवाही की इंतहा कर दे तो क्या करें, किसके पास जाएं? आरोप है कि मिर्जापुर के 100 शैया युक्त मातृ एवं शिशु अस्पताल में डॉक्टर की गलती से नवजात शिशु के हाथ का अंगूठा कट गया, जिसके बाद इलाज करने के बजाय डॉक्टर ने उसको चुपचाप तरीके से टेप बांध कर परिवार के लोगों से कहा कि बस खरोंच लगी है। बच्ची के नाना डॉक्टर के पास इलाज के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बच्चे की सुध किसी ने नहीं ली। बता दें, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में आम जनता की सहूलियत के लिए 100 शैया युक्त मातृ एवं शिशु अस्पताल बनवाया गया था। हालांकि बनने के बाद इस हॉस्पिटल से आए दिन शिकायत सामने आती रहती हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। तभी तो आज तक किसी ने कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। ताजा मामला भी यहां के डॉक्टरों की लापरवाही बयान करने के लिए काफी है। जहां जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर हलिया से बड़ी उम्मीद के साथ इंद्र बहादुर पटेल अपनी बेटी को अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही ने उन्हें सोचने को मजबूर कर दिया है। हमारी लड़की, अपनी लड़की की शादी में जिला प्रयागराज थाना घूरपुर और मनकवार कोयली तारा गांव किया था। लड़की हमारे पास थी, जब उसका पेट में दर्द हुआ तो मैं हलिया पहले हॉस्पिटल पर ले आया, तो वहाँ से रेफर किए, मैं ले गया जिला अस्पताल मिर्जापुर। 30 तारीख को उसका सही ढंग से ऑपरेशन हुआ, बच्चा पैदा हुआ। इसके बाद डॉक्टर साहब ने उसको बीगो को चढ़ा जो इंजेक्शन दे रहे थे। 3 तारीख को इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर साहब बोले कहता है कि इसको काट दीजिए, बीगो कटवाने गए तो 2 नर्स थी, अब कौन थी मुझको मालूम नहीं है, और उसे कैंची से काटने लगी, और जब कर गया खून बहने लगा, रोने लगी, तब तुरंत वहाँ से हटो हटो हम लोगों को भगा दिए। जब रोने लगी खून बहने लगा तो कट गया क्या अंगूरी कटी क्या हुआ, तो डॉक्टर साहब कहा वहाँ से हटो हटो तुम लोग, हम लोग हटाए के बाद अपने हाथ पे मारे, उस पर दवा जो कुछ किए हमको मालूम नहीं है। इसके बाद मैं डॉक्टर साहब पूछा, सर अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो हम दूसरे जगह दिखा दें, तो बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, तो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से 2-3 दिन बीता, मैं देख नहीं पाया क्रियोलॉजी से। मैं अपने गांव का एक लड़का था, मैं इसे पूछा सक बस बाबा थोड़ा सा दिखा दीजिए कि बड़ी अस्पताल में दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर हमको दिखा ही नहीं दे रहे कि कितना हाथ कटा है कितना नहीं कटा है। तो इसके बाद मैं कहा डॉक्टर साहब ऐसा है, यहाँ ले गए तो वहाँ फिर बोलेगा आज संदेह नहीं दिखाई पड़ेगा। तो मैं यहाँ डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब आज मुझको रहने दीजिए। डॉक्टर साहब तो नहीं थे हम संडे के दिन, तो हमारे मरीज को छुट्टी दे दी। हम कहा सर आज रुकने दीजिए, हमको सोमवार छुट्टी दे दीजिए, मेरी बच्ची का एक हाथ कट गया है, आप यहाँ इलाज कर रहे हैं, अब डॉक्टर साहब आज नहीं, आज रुकने दीजिए। कहने नहीं आज यहाँ जगह नहीं है, रेफर छुट्टी है जाओ। तो मैं चला गया, यहाँ से हलिया 60 किलोमीटर दूर पड़ता है सर, तो वहाँ गया। तो लेकिन मुझको संतुष्टि नहीं थी कि इस तरह से बच्ची का अंगूठा न कोई दवा लिखे थे ना कुछ, केवल क्रीम पट्टी भर बांधे थे। तो मैं आज सुबह हलिया से यहाँ जिला अस्पताल मिर्जापुर ले आया, यहाँ डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब बोले हैं कि ऐसा है कि देखिए मैं टाँका चला दे रहा हूँ, हो सकता है कि जुट सकता है, नहीं तो उंगली काटना पड़ेगा, यही बोले हैं। इतने वृद्ध अवस्था के डॉक्टर साहब हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि कम से कम आपकी इतने उम्र के हैं और हम लोगों को कुछ सलाह देना चाहिए था, इस तरह से बर्ताव जानवरों जैसा कि हटो 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 कम से कम मरीज को संतुष्ट करना डॉक्टर का काम होता है सर। 4 दिन की थी तभी अंगुली काटे थे, लेकिन मुझको देखने तक नहीं दिया। मैं बार बार कहा कि सर अगर कोई दिक्कत हो तो मैं मिर्जापुर हॉस्पिटल दिखा दूँ या बेचू रेफर कर, हम बेचू ले जाएंगे, अगर कोई दिक्कत हम बेचू तक ले जाएंगे। बस बस यही है सर कि एक बच्ची हमारे घर मैके में थी इसकी माँ, वहाँ बारे सोचे कि देखिए वहाँ रुक कर किसका अंगूठा काट दिए, छोटी सी बच्ची है, आगे फिर इसके भविष्य अगर अंगुली कट गई सर तो क्या क्या संभावना आएगी।
इस लापरवाही को अंजाम देने वाले आरोपी डॉक्टर एसपी गुप्ता अपना पल्ला छुड़ाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नर्स के द्वारा बीगो निकालते वक्त अंगूठा कट गया था। अंगूठा कटने के बाद हमारे पास लाया गया तो हमने पट्टी कर दिया। हम अपने वार्ड के डेट ही छोटे डिस्चार्ज बुला रहे थे काउंटर पर, और उसका बच्चा जो था 5 दिन का हो गया था, माँ के पास से लेकर आया था बीगो निकलवाने के लिए। तो वहाँ स्टाफ नर्स जो वर्किंग थी खुशबू, उसका बीगो निकाल रही थी, और बीगो निकालते समय जो टेप उसमें चिपका हुआ था उसके हाथ में अंगूठा में, वो टेप को काट रही थी। उसी दरमियान में उसके काटने के दरमियान में कैंची से उसका जो भी अंगूठा में चोट लगा, हमारे हम वार्ड में काम कर रहे थे, हमारे पास ले आई कहीं कि इसमें ब्लीडिंग हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है, उसको पकड़े रहो और उसमें हमने पट्टी बनवा दिया। पट्टी बनवा करके उसको कहा कि ठीक है, कल फिर ओटी में हम आपको दिखवा देंगे, और चला गया। फिर दूसरे दिन ओटी में ओटी खुलवा कर ओटी टेक्नीशियन से हमने उसका ड्रेसिंग करवाया, और तीसरे दिन आया तो फिर वो सर्जन के यहाँ लेकर चला गया। इस तरह की कोई बात नहीं, इस तरह के कहना सरासर गलत, ये कहना सरासर गलत है। डॉक्टर तो मरीज बदतमीजी नहीं करता।